जब भी हम कोई अपनी फेवरेट कॉमेडी मूवी देखते हैं, चुटकुले सुनते हैं या फिर छोटे बच्चों की वो नन्नी मुन्नी सी हरकतें देखते हैं, हमारे चेहरे पे कितनी ज़्यादा स्माइल हो जाती है जो बाद में हंसी में तब्दील हो जाती है। और जब हम हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेस परेशानी सब कुछ भूल जाते हैं। सोचिए अगर हर दिन ऐसा ही हो तो कितना अच्छा हो। खैर हर दिन की तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक ऐसा दिन है जिसे वर्ल्ड लाफ्टर डे कहते हैं, जो हर साल मई के पहले संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लगभग 100 लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ सब कुछ भूल के तेज़ हंसते हैं। तो आइए इस दिन में और क्या खास है बताते हैं आपको। वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत हुई थी 1998 में मुंबई में, लेकिन वर्ल्ड में मनाया जाता है ये 2005 से लॉस एंजलिस में। और इसको मनाने का एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में पीस हो, भाईचारा हो, और उसी के मैनिफेस्टेशन के लिए सारे लोग मिलके एक साथ हंसी ठहाके लगाते हैं। आपने लाफ्टर थेरेपी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। लाफ्टर थेरेपी से कहते हैं कि हमारी ओवरऑल बॉडी जो होती है ना, वो पॉजिटिव हो जाती है, हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और हम अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है। जब हम हंसते हैं ना, खुलकर हंसते हैं, तो हमारे अंदर से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और कहा जाता है कि नेचुरल पेन किलर्स हैं। फिर ऐसे बहुत सारे दर्द होते हैं जो इस नेचुरल पेन किलर से अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। जब हम हंसते हैं ना, हमारी बॉडी से टी सेल्स निकलते हैं, टी सेल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आप सोचिए जब आप हंसते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो आपको बहुत हंसाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ना कि आप बीमार हैं। तो हंसना बीमारी में भी बहुत ज़रूरी है। हंसना हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे कार्डियक हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाता है हंसना। इसलिए जब हमें दिल की कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि इनको खुश रखिए, इनको हंसाने की कोशिश कीजिए, इनको कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। और जब हम हंसते हैं तो एंजाइटी तो यूँ ही गायब हो जाती है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हंसने से ऐप्स बन जाते हैं, लेकिन हाँ हंसने से हमारे जो ऐप्स होते हैं वो टोन ज़रूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम हंसते हैं ना, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट होंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और जो हमारे ऐप्स हैं वो टोन्ड अप होने शुरू हो जाते हैं। खुलकर हंसने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम होने की संभावना होती है। तो खुलकर हंसिए, क्योंकि हंसने से हमारे जो स्ट्रेस है, हमारे जो एंजाइटी लेवल है, वो जो हॉर्मोन्स एंजाइटी पैदा करते हैं या फिर स्ट्रेस देते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो खुलकर हंसिए, सबको हंसाइए और वर्ल्ड लाफ्टर डे हर दिन मनाइए।